बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शहाना शादी। और सुने, हजारों पकवानों का मेन्यू तैयार। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। महंगी तरीन शादी का तो भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। थी ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। तोबा। हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी हो रही है और पूरी दुनिया में इसके चर्चे ना हो, ये कैसे हो सकता है? सही बात है। तकरीबात में शरीक होने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाएगा। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी सिर्फ गाड़ी कहीं से मिल जाता, कुछ भला हो जाता। औकात में रहो, औकात में। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा। नामवर शख्सियत शरीक होंगी। जी हाँ, इनकी शादी पे $50 करोड़ का खर्चा आएगा। कोई ये बता रहा है की शादी में 10,000 करोड़ खर्चा हुआ, कोई कह रहा है 20,000 करोड़ खर्चा हुआ, कोई कह रहा है 50,000 करोड़ खर्चा हुआ है। अब कितना हजार करोड़ खर्चा हुआ है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि रियल में खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। ऐश्वर्या भी ठीक है। ऐश्वर्या, आमिर खान, बच्चन, ये कैसे इनके घर वाले हो गए मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन आई गेस दे मस्ट बी वेरी क्लोज। यकम से 3 मार्च तक गुजरात के शहर जामनगर में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के सिलसिले में शानदार तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। यकीनन इस कॉल में खुद एहतसाबी और साबी और दुरुस्तगी पर जोर दिया गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में भी लगभग $700 मिलियन खर्च किए थे। क्या 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 क्या? $700 मिलियन। वाओ। वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। Yes. उस समय भी वो शादी पूरे संसार की मीडिया की सुर्खियां बनी थी। मैं जानता हूँ। और अब वापस से मुकेश अंबानी की बेटी की शादी सुर्खियों में चल रही है। वाह भाई वाह। और हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी की बेटी की शादी हो, पाकिस्तानी अपना रिएक्शन ना दे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता भैया, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से भी कुछ रिएक्शन निकल के आए हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर $50 करोड़ का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे $50 करोड़ का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो $114 बिलियन के मालिक हैं और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी, 2800 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीज़ें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये ज़रूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीज़ें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूँगी कि भाई इतना ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी $50 करोड़ का मतलब खर्चा है और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके, और जबकि इनके पास हैं कितने $114 बिलियन है मुकेश अंबानी के पास। हर जो जी उस बंदे के पास इतना पैसा वो ऐसी 150 शादियां और भी कर देगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये हमें फजूल खर्ची लगती है। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म, और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप $2 बिलियन पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुँचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए मैं तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दें या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर दो होंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पर अकेला
परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा, तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास, अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, यकीन के ट्राई करके देखें। हाँ, वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं तो हम वहाँ पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हमारे हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है, हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियां ने बजाने भारत के लिए कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखाई मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहाँ कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना, और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है, चाइना जो है वो उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है, इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं लाओ और पैसा दे दो, ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो तो वो चाइनीज में बताते हैं और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं, तो जो उनका उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो, तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सीपैक 2 बना दो, वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो, हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहां भागा जा रहा है, तो 2 में काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि हर बार हमारी नियत होती है देने की, बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती है कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से देंगे। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब भारत हमें पैसा दे देगा और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है और उसके बाद जो है आप हम दे देंगे 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस, और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ इस पर ज़रा गौर कीजिएगा और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे में मिलेंगे, यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे, आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अमीर आदमी देगा नहीं, भीख मांगना शुरू ये पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है भीख मांगना, क्योंकि इनका वजीर आजम जाके भीख मांगता है, इनका आर्मी चीफ जाके भीख मांगता है, इनकी आवाम विदेशों में जाके भीख मांगती है, तो ये पूरे मुल्क का नेशनल करेक्टर बन चुका है भीख मांगना, और इनको कोई शर्म नहीं है भीख मांगने के अंदर। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।